हेलो हाय। हाय, चलो बड़ा तो तुम बड़ी वाली साइड आए हैं, यहाँ से ज्यादा अच्छा व्यू आ रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया त्यागी ब्लॉग्स। सो आज है हमारा फर्स्ट डे इन हनोई। अभी बजे हैं सुबह के 6:30-7 बजे से हमारा बस आ जाएगी टूर वाली, और 6:30 से ब्रेकफास्ट भी स्टार्ट है। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ फुल यार, इतनी सुबह जल्दी जल्दी उठना पड़ रहा है ना, नींद भी पूरी नहीं हो रही। तो बस अभी फटाफट ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, रेडी मैं फुल हो गई हूँ। तो ब्रेकफास्ट करके फिर इतने 7 बजे बस भी आ जाएगी। बाहर बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, तो पहले मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये है बाहर रूम के हमारे, मैं करती लेके ना तो बहुत जल्दी जाना था, तो फटाफट रेडी हो गई। कल को देखूंगी अगर कल को टाइम मिला तो। वैसे तो कल को भी हमारे क्रूज का है, तो फिर जल्दी ही निकलना पड़ेगा। लेट्स सी अगर टाइम मिलता है तो। 7:30 निकलना था, ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं, बस वाले का फ़ोन भी आ चुका है। तो अभी बस जस्ट निकले हैं। वर्कशॉप बाय डिसेबल्ड पीपल, तो वहाँ पे पेंटिंग बना रहे हैं और ये ड्रेसेस वगैरह ये सब शायद उन्होंने ही बनाई हुई हैं। प्यारी प्यारी पेंटिंग यहाँ पे खुद बना रहे हैं सब। यहाँ पर हो गया, अभी चलते हैं अपने बस में वापस और नेक्स्ट डेस्टिनेशन। नेक्स्ट पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे, देखते हैं। And you can see that this one we have the round shape, and this one is like represent for the moon. And you know that in Vietnam we use the lunar calendar, so for the full moon it always appear in 16th of the month. And you know that 16th is like the main age for the lady. It's like the border between teenager and adult. So every man we love to have a girlfriend 16 years old, right? Yeah. And that's why this one is like the accessory for the lady. Yeah. This one now can use for the man and for the lady, because it will help you to look more beautiful and also help you to cover for your head, prevent from the rays of the sun. Yeah. I think that you can buy one of these. It's like it will help you for the boat trip in the afternoon. Yeah. Okay. So now you can see that.
तो अभी हम आए हैं यहाँ पे टेंपल में। अभी हुआ है 10:40, अब और 11:40 पे हमें वापस आना है, तो एक घंटा है हमारे यहाँ पर रहने के लिए। अभी वो जो हमारा गाइड है वो टिकट ले रहे हैं सबके लिए, इतने हम यहाँ पे थोड़े पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं, तो अपने वो टिकट लेके आते हैं, इतने हम यहाँ पे थोड़ा व्यू वगैरह देखते हैं। टिकट लेके अभी चलते हैं अंदर, यहाँ पे सब साइकिलिंग चला रहे हैं। Eleventh century. So you know that in the past Vietnam has been under control by China for nearly 1,000 years. And at the year 960 in China, they have a civil war in China. And Vietnam, we take this chance to jump out from China and keep the independence. And also at this time, Vietnam have felt independent a lot. They fight each other and they get profit for their group. And also they fight to see who will be the king of Vietnam at this time. And we have the man here that stay in the cloud. His name is Đinh Bộ Lĩnh. And he was born in the year 924. He is the leader of one independent warlord in Vietnam at this time. So at the year 968, he successed to defeat 11 independent warlords, and he became the king of Vietnam. He became the king at the year 968. So when he became the king, he called himself Đinh Tiên Hoàng. So Đinh is the first name. Tiên is like the very first, and Hoàng is like emperor, you know. यही छोटा सा पार्ट है, बाकी बाहर है, बाहर बहुत सुंदर है। तो मंदिर के अंदर शॉर्ट नहीं अलाउड, तो सब लोग ये पहन के आ रहे हैं। सो अभी एक टेंपल कवर हो गया है, अब हम जा रहे हैं दूसरे टेंपल। This one is also the dragon back. But you can see that on this one we don't have the I made a dragon. Yeah. Because I told you before that this temple has been rebuilt in 17th century. And for the people that live in this town, they believe that the king तो यहाँ पे ये टेम्पल हैं जो फर्स्ट वाला देखा था, अभी सेकंड वाले आए हैं, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही हैं, बट बहुत अच्छे हैं। और वेदर भी काफ़ी अच्छा हो गया है, सुबह तो काफ़ी ठंड लग रही थी हम बस में आ रहे थे, लेकिन अभी हल्की हल्की सी धूप निकल रही है जा रही है, तो अभी मतलब सही हो गया, ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है। और अभी आज तो हमारा फुल प्लान हनोई का ही है, रात तक का टूर है, उसमें देखते हैं क्या क्या कवर करेंगे। हनोई वियतनाम की कैपिटल है। Hello. Hi. Hi. You are from which country? I come from Vietnam. Okay, you are local. Yes. Okay, we are Indian. Hmm. You like here? Yeah. And here. So we यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ पे घूमते-घूमते 12:45 हो गए, हम 10:40 पे आए थे, तो approx almost एक घंटा ही हो गया। अभी हमारी बस खड़ी है वहाँ सामने,
बाकी हमारे ग्रुप वाले जा चुके हैं, तो अभी हम भी फटाफट चलते हैं। ये वो मंदिर था जहाँ से हम आए हैं, और ये इसके साइड में बहुत लंबी सी रिवर जा रही है। अभी आ गए अपनी बस में वापस, अभी चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। सो अभी पहले आए हैं लंच के लिए, जो कि हमारे टूर के पैकेज में इंक्लूड है। तो अंदर है बुफे, तो पहले चलते हैं, पहले लंच कर लेते हैं। सो अभी लंच कर लिया है, अभी जाना है बोटिंग के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी बोटिंग, लेकिन बोटिंग में एक बोट में तीन ही लोग जा सकते हैं, हमें चार, तो एक को किसी और के साथ जाना पड़ेगा। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी बोटिंग की तरफ, वहाँ पे जाके देखते हैं। सो अभी यहाँ पे हम आए हैं बोटिंग के लिए, बहुत अच्छी लोकेशन है ये, पूरा डेकोरेट हुआ है साइड साइड में। ये हैं टिकट प्राइसेस, अभी वो टिकट ले रहे हैं हम सबके। सो ये हमारा टिकट, इट्स 2.5 लाख बेंडी। साइड साइड में रिवर, ग्रीनरी, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। अभी मंदिर चल के आपको पूरा दिखाऊंगी। तो अभी चलते हैं हम। पहले हमारी छोटी वाली बोटिंग थी, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, वो बोल रहे थे कि टेंपल में जाना है, और एक बड़ी वाली थी। इसमें वाले में बहुत अच्छा व्यू आएगा, लेकिन ये बोटिंग बड़ी थी थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। फिर हमें नेक्स्ट टेंपल जाना था, तो फिर हमने टेंपल वाला मना कर दिया कि टेंपल नहीं जाना, हमको यही वाली करनी है, क्योंकि इसमें ना बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, हमने फोटो देखा था। तो अभी ये वाली करते हैं, लॉन्ग वाली बोटिंग। सो अभी आ गए हैं बोट में, अभी स्टार्ट नहीं हुई, अभी सारे ग्रुप वाले बैठ रहे हैं, तो हमें चार वाली बोट मिल गई। अब हम चारों एक ही बोट में आ गए, वरना एक वो जो दूसरे वाला राउट था ना, जो हम बोल रहे थे वाले छोटे वाला, तो वहाँ पे उस वाली बोट में तीन को जाना था, लेकिन अब हम लॉन्ग वाले राउट में आए हैं, तो उसमें चार ही हम बैठ गए, चार वाली बोट मिल गई। सामने से इंडिया का लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहीं पे ना एक हॉलीवुड मूवी की भी शूटिंग हुई थी, किंग कॉन्ग, ऐसा उन्होंने बताया। लुक एट दिस व्यू, एकदम ग्रीन वाटर, और सामने एकदम पहाड़, और ग्रीनरी ग्रीनरी, बहुत सुंदर व्यू आ रहा है। वाओ यार, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। मैं सोच रही हूँ अगर मैं हमेशा के लिए यहीं रह जाऊँ, यहीं पर खो जाऊँ, तो क्या होगा? आधे घंटे से मुझे मजा आएगा लेकिन फिर आधे घंटे बाद में पागल हो जाऊंगी, रोने लगूंगी। यहीं पर रह जाऊँ, यहीं पर खो जाऊँ। अभी ये सामने आ गई है छोटी सी गुफा, अब हम उस गुफा के अंदर जाएंगे। बिल्कुल अपना सर नीचे किया हुआ है। कह रही यार हमारे ऊपर सर ना फूट जाए, हम एकदम बिल्कुल नीचे लेट के जा रहे हैं, बिल्कुल नीचे। मैंने अपना हेड डाउन किया हुआ, ऊपर से इतने बड़े बड़े पत्थर निकले हुए हैं, अगर लग गया नहीं भी और इतने पहने पहने तो मेरा काम तमाम। हम टनल से निकल रहे हैं, बहुत लंबी टनल थी, कम से कम 2-3 किलोमीटर की तो होगी, हम 10-15 मिनट अंदर थे, और एकदम छोटी, बहुत नीचे हमें सिर झुका के आने पड़ा। पता है मैं पूरी टनल में कैसे थी, एकदम मैं पूरी ऐसे लेट के आई हूँ,
क्योंकि पहाड़ में से वो नीचे लंबे लंबे पहने पहने पत्थर निकले होते बहुत लंबे लंबे, अगर वो किसी के सर में लग जाते ना तो बस। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लाइक वो नहीं होता कि आपने क्या ही देख लिया इन अ गुड वे, बहुत एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस था। जैसे वो नहीं होती भूत वाली मूवीज होती हैं, एक पतली सी टनल अंधेरे वाली, नीचे पानी और साइड में माउंटेन माउंटेन, ऐसे छोटी सी टनल बिल्कुल, और जिसमें बैट आ जाते हैं। मुझे तो एकदम वैसी ही फीलिंग आ रही थी, फिर आगे जाके असली में ही बैट आ भी गए, तो बहुत ही मतलब थोड़ी स्कैरी भी थी। एकदम पूरा छुप के हम आए हैं, लेकिन पूरा मैं ऐसे लेट के आई हूँ अपना सर बचा के कि कहीं मेरा सर ना लग जाए, लेकिन डेडिकेशन पूरा है, मैंने वीडियो अंदर पूरी ली है। ओ यार इतनी ठंडी हवा, इतना मस्त मौसम, इतना ब्यूटीफुल व्यू, फिर आगे दिखा गुफा से मुझे। एक और केव आ गई 400 मीटर, अभी फिर चलते हैं। ये है 400 मीटर की, ये अभी तो इतनी नीची नहीं लग रही है, हम आराम से अपना सर ऊपर करके बैठे हैं। अभी ये इतनी नीची नहीं लग रही है, बड़ी लग रही है, पर पिछली वाली बहुत नीची थी। मिड में आ गए हैं, साइड में बहुत पहाड़ पहाड़ और एकदम पानी पानी, बहुत बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सामने कोई वेडिंग है या फोटोशूट चल रहा है, डोंट नो, और क्रिश्चियन की फोटोशूट ही चल रहा है। तो अभी हमारे 2 घंटे अप्रॉक्स, 1.5-2 घंटे तो हो गए, हम चले जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। पूरा ये बीच बीच में मंदिर भी है, तो अगर वहाँ भी रुकेंगे हर जगह तो 4 घंटे लगेंगे, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो वो हमें टेंपल्स वगैरह पे नहीं रुका रहा, हमें बस ले लेके जा रहा है केव में से। और ये बहुत, तो अभी पता नहीं 1.5-2 घंटे तो हो गए हैं, और कितनी देर में हम पहुँचेंगे अपने वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे। 2 घंटे फाइनली अब हमें दिखने लगा है हमारा एंड पॉइंट, मजा बहुत आया। कैसे वो दूर हमारा एक एंड पॉइंट है जहाँ हम उतरेंगे। हमारी टूर पैक खत्म हो गई है 2 घंटे के बाद, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और स्पेशली वो केव वाला जिसमें हम पूरा ऐसे लेट के आए हैं, बहुत अच्छा बहुत अलग एक्सपीरियंस था। तो अभी ढूंढते हैं अपने ग्रुप वाले लोगों को, और फिर देखते हैं नेक्स्ट लोकेशन कहाँ जाना है। डेकोरेशन पीछे का कितना सुंदर लग रहा है, सारे में अंदर तक ऐसी डेकोरेशन है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी चलते हैं बस में। तो अभी हमें चढ़ना है पहाड़ पे जिसमें है रॉक्स 500 सीढ़ियाँ, और यहाँ पर बहुत तेज हवा चल रही है क्योंकि एकदम पहाड़ों में आ गए हैं, हल्की हल्की ठंडी भी लग रही है, 500 सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो देखते हैं, इसलिए मैं बॉटल भी लेके आई हूँ इस बार। उसने कहा 2 साइड है, वैसे अच्छी तो लगता है। यार व्यू बहुत प्यारा है, मतलब इनकी जितनी भी जगह जा रहे हैं ना, व्यू बहुत प्यारा है, एक नेचुरल ब्यूटी तो है ही, और इन्होंने डेकोरेशन इतनी अच्छी करी हुई है, लाइटनिंग डेकोरेशन सब बहुत प्यारी कर रखी है, और नेचुरल ब्यूटी तो ऑब्वियसली है ही, माउंटेन रिवर वो तो है ही, लेकिन इन्होंने जो अपनी भी कर रखी है बहुत प्यारी, यहाँ की डेकोरेशन सिटी में भी जो इतनी लाइटनिंग इतनी डेकोरेशन सब इतना सजा के रखते हैं, तो और नेचुरल ब्यूटी पे इनके 4 चांद लग जाते हैं, तो बहुत प्यारी प्यारी लोकेशन है। अभी आ गई हमारी सीढ़ियाँ, अब हमको चढ़ चढ़ के जाना है, अभी तो थोड़ा सा ही चढ़ा है।
मैं शूज नहीं पहन के आई, मुझे पता नहीं था कि चढ़ना है, अगर पता होता तो तुम बैठ जाओ, तुम्हारा शूज पहन के आती कैसे, वो कितने टाइम लगे तुम्हें? कोई नहीं, पर चढ़ लूंगी, बोलो स्टैमिना तो कितने टाइम बहुत है, चढ़ लूंगी, बहुत खड़ी खड़ी सी रही है ये सब पैर पकड़ पकड़ सीढ़ी पे भी बैठ सकते हैं तुम्हारी, अभी तो आधी चढ़ी है, चले जाओ, बहुत सारी बची हुई है जो 2 मिनट के लिए रुकते हैं, फिर अभी दोबारा चढ़ते हैं, फोन अपना हाथ में रख लेना, पैर बिल्कुल थक गए हैं, अभी तो और बहुत चढ़ना है, पता नहीं सीढ़ियाँ कहाँ तक जा रही हैं, रास्ता कट रहा था, लेफ्ट वाला छोटा था, दिस इज लेफ्ट, ओके ये दिस इज लेफ्ट, वो राइट था, राइट वाला छोटा था, ये लेफ्ट वाला बड़ा था, तो हम बड़ी वाली साइड आए हैं, यहाँ से ज्यादा अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत हवा भी चल रही है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, अभी जितना ऊपर चढ़े हैं वापस उतना नीचे जाना है, ऑलरेडी 4:40 और हमें 5 बजे नीचे मिलना था, तो अभी बस 20 मिनट हमारे पास बची है पूरा नीचे जाने के लिए वापस, ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक पाएंगे, बस 2-3 मिनट और रुक के फिर चलना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जाने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, जा रहे हैं वापस नीचे उतरने, उतरना इज मच इजी देन चढ़ना, बट स्टिल जो सीढ़ियाँ हैं ना वो भी थोड़ी ऐसी सी हैं, एकदम ऊँची नीचे प्लेन नहीं है, एकदम पत्थर टाइप, तो बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है चढ़ते उतरते इन पे, अभी तो हम बहुत ही कम उतर पाए, अभी तो बहुत सारी बची हैं, तो फाइनली आ गए हैं नीचे, और 1 घंटे का टाइम दिया था, 1 घंटा हो गया और हम बीच में कहीं भी नहीं रुके, 4 बजे चढ़ना स्टार्ट किया था, 5 बज गए पूरे, अभी आगे एक केव है, अंधेरा लग रहा है उसमें बहुत, पता नहीं क्या है, चल के देखते हैं, अकेले यहाँ हूँ अंधेरे में तो डर ही लगता है, ये है मेन केव, चलो इसमें तो लाइट लगी हुई है, हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं, 5 बजने वाले हैं, लेकिन हम इसे आ गए, ये दूर से दिख रहा था, बहुत सुंदर व्यू आ रहा है, और हर जगह पानी, पेड़, इतने पहाड़ हैं, तो मौसम बड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतनी ठंड भी नहीं लग रही, बस अच्छा सा मौसम हो गया, एकदम कूल कूल सा, तो झरने की हल्की हल्की फुहारें आ रही हैं, ठंडा सा मौसम विद दिस ब्यूटीफुल व्यू, और क्या चाहिए ज़िंदगी में, पैर थोड़े दुख गए हैं, अभी तो इतना पता नहीं चल रहा, रात को पता चलेगा इतनी ऊपर चढ़े हैं उतरे हैं, पर ठीक है, जो व्यू मिला वो ऊपर से सो ब्यूटीफुल, सही है उसके लिए इतनी मेहनत, वो कहते हैं ना जितनी मेहनत उतना अच्छा फल, तो जितनी वो ऊपर चढ़ के गए मेहनत करी ऊपर से उतना ही बहुत अच्छा व्यू आया, अब हम जा रहे हैं अपनी बस की तरफ, हमारे ग्रुप वाला कोई भी नहीं दिख रहा, सब शायद जा चुके हैं बस में, हमने ही लेट कर दिया,
फोटो वीडियोस में, लेकिन एक घंटा कम टाइम तो था ऊपर चढ़ के नीचे आने के लिए वापस। एक लेफ्ट में व्यू है, एक राइट में व्यू है, उन्होंने बोला था अगर आप दोनों कर सकते हो दोनों कर लेना, और जिसको एक करनी है एक कर लेना। हम कहीं भी बीच में रुके नहीं हैं, और हमने एक ही करी और कहीं बीच में नहीं रुके, फिर भी हमें ऊपर जाके नीचे आने में एक घंटा लग गया। अगर कहीं रुकते या अगर दोनों करने लग जाते तो एक घंटा इज़ नॉट इनफ। तो आप अगर आएँ यहाँ पे तो यहाँ पे आना, बहुत प्यारा व्यू आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, एक अलग तरह का एक्सपीरियंस। वो जो पहले बोटिंग भी करी थी वहाँ पे भी केव में, ऐसी एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था, एकदम नीचे झुक के एकदम जाना बहुत प्यारा था। और यहाँ पे भी एकदम ऊपर चढ़ के बहुत अच्छा व्यू आया, लेकिन हाँ शूज़ पहन के आना क्योंकि चलना बहुत पड़ेगा आपको, तो कुछ अनकम्फर्टेबल और हील वगैरह तो मत ही पहनना। और हल्का हल्का ठंडा भी है तो उसके अकॉर्डिंग अपने कपड़े वगैरह पहन के आना। अभी हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं अपनी बस की तरफ, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं, हमारी बस कहीं चली ना जाए। वैसे जाएगी तो नहीं, कॉल करते हो अभी आई नहीं, ज़्यादा लेट नहीं हुई, 5 ही बजे हैं। लेकिन हाँ अभी थोड़ी दूर है, हम थोड़ी दूर हैं तो जाने में 5-7 मिनट तो लगेंगे, बट कोई नहीं, इतना तो चलता है, और कोई लोग होंगे लेट, तो अभी फटाफट चलते हैं। जो हमारा गाइड है वो बहुत स्वीट है, वो अपनी स्टोरी बता रहा था कि उसको एक क्रिश्चियन लड़की से प्यार हुआ तो वो उसके लिए क्रिश्चियन बन गया। ठीक है, अब जैसे हमारे यहाँ राशि होती है ना, इनके यहाँ साइन होते हैं, तो उस लड़के का साइन है फायर। तो उसकी मम्मी ने उसको बोला कि तू वाटर साइन वाली लड़की के साथ शादी मत करियो, क्योंकि तू फायर है, वाटर साइन वाली लड़की आ गई तो वो तुझे मतलब वाटर से फायर डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो उसको वो क्रिश्चियन जो लड़की पसंद आई उसके लिए वो क्रिश्चियन भी बना, वो वाटर ही निकली। तो वही वो बता रहा था कि हाउ अनलक्की आई एम, मेरी वाइफ वाटर ही निकली, मैं फायर हूँ। तो ही इज़ द नाइस गाय। तो अभी चलते हैं। अभी पहुँच गए हैं अपनी बस पे, अभी चलते हैं, ऊपर चल के बैठ जाते हैं। आई थिंक ये लास्ट हमारी लोकेशन थी आज की। तो अभी हम बस से उतर गए हैं, होटल नहीं गए। वो उन्होंने बताया कि आज इनका जो कॉफिन स्ट्रीट है उसका लास्ट डे है, क्योंकि इनका 23 तारीख से कुछ बड़ा फेस्टिवल होने वाला है, जो मैंने वो बताया था होटल में भी तैयारी चल रही थी। तो आज से इनका मार्केट बंद हो जाएगा, तो आज लास्ट है इनका वॉकिंग स्ट्रीट का, तो लास्ट है। तो हम भी उतर गए कि घूम लेते हैं यहाँ पे, फिर ही होटल जाएंगे। और लेकिन बस में तो पता नहीं चल रहा था, अब बाहर इतनी इतनी तेज़ हवा चल रही है और हालत ख़राब हो रही है। इनका भी मौसम का पता नहीं चलता, कभी गर्मी हो जाती है, कभी बारिश, कभी ठंड, अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो गई। बाहर आए, यही सामने लेक है, बंद तो एकदम कुल्फी रही है, पर फिर कल चले जाएंगे तो देखना तो बनता ही है यार, थोड़ी देर कुल्फी बन जाएगी, कोई नहीं, यही सामने लेक है। अभी यहाँ पे थोड़े दिनों के लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि वो 23 से उनका फेस्टिवल है ना, तो आज लास्ट डे है। तो देखनी नदी नदी देखनी है।
सुबह से हमारा क्रूज है सुबह 12 बजे, तो वो यहाँ हनोई से 3 घंटे दूर है, तो उसके लिए ट्रांसफ़र हमने ऑनलाइन बुक नहीं किया था, तो अभी हम देख रहे थे, ऑनलाइन चेक कर रहे थे और होटल वाले से भी पूछा था, तो हमें ऑनलाइन भी महंगा पड़ रहा था होटल वाले से भी, तो हम लोकल मार्केट में आए थे, तो हमने लोकल मार्केट में भी एक बार पता किया, तो यहाँ पे हमें बहुत कम में मिल गया, मतलब जितना होटल वाले और ऑनलाइन बता रहे थे उसके हाफ से भी कम में मिल गया। तो सही है, अगर आप आओ तो आपको ऑनलाइन की बजाय अगर लोकल मार्केट में ट्राई करोगे तो सस्ता मिल जाएगा। हमने बाकी सारी चीज़ें तो ऑनलाइन ही कर ली थी, बस हमारी ये हनोई से हलोंग बे का ट्रांसफ़र बच्चा था क्या, तो वही हम कल ऑनलाइन चेक कर रहे थे, अभी जस्ट हम मार्केट आए थे तो हमने पूछ लिया तो हमें सस्ता मिल गया, हमने बुक कर दिया। तो आप भी अगर लोकल मार्केट से करेंगे तो आपको बेटर ऑप्शन मिल जाएगा कम पैसों में। तो अब हमारा हो गया है बुक, कल हम जाएंगे हलोंग बे क्रूज में, एक दिन हमारा वहाँ स्टे है और फिर डे आफ्टर टुमारो हम रिटर्न टू दिल्ली वापस जा रहे हैं। हमारी फ्लाइट है परसों शाम की, तो परसों रात तक वापस पहुँच जाएंगे, तो बस 2 दिन और बचे हैं वियतनाम में। तो अभी हम जा रहे हैं अपने होटल वापस, 10:30 बज गए हैं, कल सुबह भी हमें फिर क्रूज़ के लिए जल्दी निकलना है, 12 बजे हमें वहाँ पहुँचना है हलोंग बे, और यहाँ से जाने में 3 घंटे लगेंगे, तो और ट्रैफिक है तो थोड़ा और जल्दी निकलना पड़ेगा, तो वही फिर नेक्स्ट 8:30 तक तो निकलना पड़ेगा, तो उसके लिए भी फिर जल्दी उठना पड़ेगा। तो अभी हम फटाफट जाके पूरे दिन के दो थके हुए हैं होटल में जाके बस सो जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट ब्लॉग होने वाला है क्रूज़ का, ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।